हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कंकेर छत्तीसगढ़ की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। फ्रेशर्स यहां पर एलिजिबल रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नथिया नवागांव कंकेर छत्तीसगढ़ की तरफ से 15 सितंबर को जारी किया गया है। क्या बताया यहाँ पर आपको नोटिस में, शासकीय पॉलिटेक्निक कंकेर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 नथिया नवागांव पोस्ट लखनपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में अंशकालीन व्याख्याता के लिए केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन पत्र इन्वाइट किए गए हैं। यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस जो है आपका ऑफलाइन रहने वाला है और जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो आपकी यहाँ पर 7 अक्टूबर 2022 रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबल ब्रांच की। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 2 रहने वाली है। जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और उनके BBTech में मिनिमम 60% मार्क हैं तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर आपको बता रखा है आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। 2 नंबर में यहाँ पर आपको बता रखा है संस्था में आवेदन पत्र प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 7 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। इसके बाद में प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पोस्टल डिलीवरी में विलम्ब के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे। 3 नंबर पर यहाँ पर आपको बता रखा है आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप दिए गए हैं, वेबसाइट से प्रारूप का प्रिंट आउट निकाल कर अभ्यर्थी पूरा स्वयं भरकर अपना हस्ताक्षर कर प्रेषित करेंगे। साथ ही अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जो भी आपके BBTech के सेमेस्टर वाइज जो भी आपकी मार्कशीट हैं, हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BBTech की उपाधि है उसको जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा अभी नीचे PDF में उसके साथ आपको भेजना है। और अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट का जो आधार रहने वाला है आपके BBTech में जो भी मार्क आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आगे यहाँ पर आपको बता रखा है कि इंटरव्यू हुए तो पात्र उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको जो है ओरिजिनल लेके आने हैं और उसके साथ आपको 2 अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो भी लेकर आने हैं। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, आपकी DOB क्या है, BBTech आपका प्रतिशत, CGPA अगर है तो हायर सेकेंडरी के आपको यहाँ पर प्रतिशत लिखने हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर आपसे 2 मांगे गए हैं, एक आप अपना डाल सकते हैं, एक आप और किसी का डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको वैलिड लिखनी होगी क्योंकि उनकी तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपके ईमेल के माध्यम से ही आएगा। पत्राचार है तो पता यहाँ पर आपको लिखना है। इसके साथ अगर आपके पास और भी कोई योग्यता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अभ्यर्थी द्वारा जो है आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा गया है, आपको नाम लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण सत्य है। इसके साथ में आपको कौन कौन चीज़ें जो है सेल्फ अटेस्ट करनी है, आपके जो हायर सेकेंडरी की अंक सूची है वो BBTech की जो आपकी उपाधि है वो भी आपको यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। इसके साथ अगर आपके पास है MEMTech तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, देखो यहाँ पर लिखा है यदि हो तो, अगर नहीं भी है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। NCC या फिर NSS खेलकूद से संबंधित अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे सेल्फ अटेस्ट करते हैं। यहाँ पर फिर आपको डेट डालनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ नीचे आपको नाम डाल और आपको इनके ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना है। एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं 15 सितंबर से और लास्ट डेट जो है आपके यहाँ पर रखी गई है 7 अक्टूबर। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या फिर आसपास से हैं, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।